हनुमान जी बन गया तुम तो सब कुछ छेट लिया है, अब ये कौन उठाएगा? आज ब्लॉग हम अपने होम टाउन से स्टार्ट कर रहे हैं। दो तीन दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा था, चलिए हम लोग को यहाँ पे कुछ काम था तो मैं उसमें बिजी था। आज से फिर हमारा रेगुलर ब्लॉग आएगा। निकल रहा हूँ अपने ऑफिस के लिए, छपरा के लिए, तो आपसे मिलते हैं हम वहीं पे, जहाँ पे हमारे सफ़र की शुरुआत होती है। एक्चुअली हमारे यहाँ सुबह सुबह पूरा बारिश हुआ था, रात में तो पूरा पानी पानी रोड हो चुका था। ऐसे भी इतना बाढ़ आया हुआ है, रोड के दोनों तरफ पूरा पानी भरा हुआ है, गाड़ी चलाने में भी थोड़ा वो हो रहा था, पूरा पानी भरा हुआ यहाँ से वहाँ तक। बाकी सुबह सुबह ट्रैफिक नहीं था तो हम लोग जल्दी जल्दी में निकलते आ गए। यहाँ पे हम अभी जंदाहा पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से लगभग 45 मिनट का और रास्ता बचा है हाजीपुर का। हाजीपुर से फिर हमें वहाँ ट्रेन पकड़ना है, तो ट्रेन भी एकदम राइट टू राइट चल रही है। 8:05 में ट्रेन खुल जाएगी और 8:05 में हमें ट्रेन स्टेशन पहुँचना पड़ेगा। देखिए सुबह सुबह ग्रीनरी कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। रोड सुबह होने के कारण जंदाहा मार्केट में भी उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है, इतना भीड़ नॉर्मली हुआ करता है। अगर यही आप 9 बजे के बाद आते तो इतना जल्दी निकल नहीं पाते जंदाहा से जितना जल्दी हम लोग निकल रहे हैं अभी। चुका हूँ और ब्रेकफास्ट हमें घर से मिला था बना के। आते ही यहाँ पे हमें 2-3 पार्सल आया हुआ था 2-3 दिन से जब मैं यहाँ नहीं था, तो उसका भी अनबॉक्सिंग आए करेंगे ऑफिस से आने के बाद। आज का ब्रेकफास्ट है, पनीर का सब्जी मिला है, उधर एक भुजी है, इधर एक रोटी, तो यही खाते हैं फिर चलते हैं ऑफिस। ये हमारा फर्स्ट पार्सल है, हम पहले इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। इसमें क्या है, एक सरप्राइजिंग चीज़ है आप लोगों को, एक दो दिन के बाद से ब्लॉग में कुछ नया दिखने को मिलेगा, तो उसी के सेटअप का सामान है ये। ये देखिए क्या है, एक्शन कैमरा। हमने एक एक्शन कैमरा लिया है मेनली मोटो ब्लॉगिंग के लिए, तो इसको अनबॉक्स करते हैं फिर इसका रिव्यू भी हम आप लोगों को एक दो दिन बाद बताएंगे कि कैसे है ये, कैसे काम करता है, कैसा इसका परफॉर्मेंस है। हालांकि मेरे लिए भी नया है, उनको भी इसको चलाने के लिए भी देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ये रहा, बहुत छोटा सा लग रहा है हम तो देखने में, छोटा के बहुत छोटा लग रहा है। तो यही है कैमरा, आप लोग देख रहे होंगे, ये इसके डब्बा के ऊपर लगा हुआ था, थोड़ा हमको ज़्यादा लग रहा है बट ठीक ठाक देखने में क्यूट से लग रहा है। इसके साथ जो एक्सेसरीज मिला है हमें, एक ये कपड़ा है, एक अलग से ये है, और हेमलेट में सेट करने वाला वाई जैक वगैरह है। तो 3, 4, 5, 6, 7 माउंट है, एक ये केस है वाटरप्रूफ केस, USB चार्जर और एक और ये है। कुछ तो हम आज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें मेमोरी कार्ड नहीं है अभी। मेमोरी कार्ड मैंने यहाँ पे देखा तो उतना GB का, 128 GB का मिल नहीं रहा है, मिल रहा है तो वो क्वालिटी नहीं है। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, कल आ जाना चाहिए वो मेमोरी कार्ड भी। फिर कल आपको हम इसका मोटो ब्लॉगिंग हमारा स्टार्ट होगा थोड़ा थोड़ा करके ही, तो आपको दिखाएंगे, हम कल से ही दिखा पाएंगे। कल अगर मेमोरी कार्ड आ जाता है
तो हमारा मोटिव ब्लॉगिंग स्टार्ट होगा। इसको एक बार ऑन करके देखते हैं कैसा रहता है ये। ये ऑन हो रहा है, क्वालिटी तो ठीक रहा है। अब तो देखना पड़ेगा कि इसका साउंड साउंड क्वालिटी और वो कैसा आ रहा है। सर्ट कार्ड लिखता है ये, अभी है नहीं इसमें कार्ड। अब मैं अपने फ़ोन का भी कार्ड लगा के देखता हूँ, अगर हो जाएगा तो फिर अच्छी बात है। और हाँ, हमारे पास हैमलेट जो था उसमें वो हाफ हैमलेट था, तो उसमें वो सेट नहीं करता। तो आज मैंने एक हैमलेट भी लिया है ये स्टड्स का, इसमें हम सेट तो आज ही कर देंगे इसको, आपको दिखाएंगे भी कैसे सेट करते हैं। लेकिन मोटो ब्लॉगिंग हम कल से स्टार्ट कर पाएंगे जब उसमें हमारा मेमोरी कार्ड लग जाएगा, कार्ड लग जाएगा। कार्ड अगर कहीं कल नहीं आता है तो कहीं से खोज के कल लाएंगे कार्ड, चाहे जहाँ जाना पड़े, लेकिन कल कार्ड लगा के आपको मोटो ब्लॉगिंग जरूर दिखाएंगे। तो अब सेट करते हैं हेमलेट में उसका माउंट और देखते हैं ये कैसे सेट हो पाता है। तो इसको हटाते हैं, ये हट गया इसमें से। अब इसको इस पे चिपकाएंगे, सीधा चिपकना चाहिए, पूरा देर चिपका के पकड़ना पड़ेगा तब जाके ये चिपकेगा। चिपक गया है, इसमें लगाते हैं ये। इससे पहले इसमें जो ये केस लगा हुआ है इसको यहाँ से ओपन किया जाता है, जो वाटरप्रूफ केस लगा हुआ है इसमें। ये ओपन हो गया, ये निकल जाएगा, ये निकल गया। कैमरा एक बार निकाल के देखते हैं कैसा है। अरे यार बहुत क्यूट सा, एकदम छोटा सा है। इसमें कार्ड आ जाएगा और चार्जिंग पॉइंट दो दिया हुआ है इसमें। इधर आई थिंक बैटरी होगा, ये वाईफाई का स्विच है और यहाँ पे स्पीकर है माइक का। तो इसमें जो ये पीछे लगा हुआ है ना, इसमें कहीं पे ये नहीं है आवाज जाने के लिए, लेकिन ये जो इसमें साथ में दिया है यहाँ पे देखिए, इसमें थोड़ा सा होल बना हुआ है ये इस साइड भी और इस साइड भी, इससे कि साउंड जो है ना वो अच्छा आएगा, क्लियर साउंड आएगा। बट ये पूरा पैक्ड है तो मे बी इसमें साउंड अच्छा नहीं आए, नहीं कैप्चर करे ये। ये इसको लगा दिए, इसको स्क्रू से टाइट कर देंगे। अब टाइट कर दिए, अब ये हमारा तैयार हो गया मोटो ब्लॉगिंग के लिए। बस इसमें कार्ड नहीं है, कार्ड लगाएंगे और ये तैयार हो जाएगा। तो एक बार देखते हैं पहन के कैसा दिखता है ये बाहर से। It's look like this. ये ऐसा कुछ दिखेगा। तो आपको कल से नहीं तो परसों से तो जरूरी आपको हमारा कुछ कुछ मोटो ब्लॉगिंग दिखेगा। देखिए कैसा दिखेगा, मैं तो एक्साइटेड हूँ मोटो ब्लॉगिंग के लिए। बस कार्ड आ जाए कल, तो कल से ही मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। अब रात के 10 बज चुके हैं, वीडियो भी एडिट हो चुका है, बस ये वाला क्लिप डलाएगा उसमें और आप लोगों के लिए आधे से एक 45 मिनट के अंदर वो अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट ब्लॉग में।